लोकसभा चुनाव में प्रचार का शोर भले ही थम गया हो मगर प्रियंका गांधी की प्रेम पॉलिटिक्स जारी है। प्रचार थमने के बाद अब एक बार फिर प्रियंका ने बुध के बहाने पीएम मोदी पर इशारों इशारों में हमला बोला है और उन्हें प्यार का संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलग अलग रंग देखने को मिले। शुरुआत में वो पीएम मोदी पर आक्रामक दिखे। रफाल में भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी ने जहां चौकीदार को चोर बना दिया तो वहीं महंगाई, किसानों की समस्या, नोटबंदी, जीएसटी को लेकर प्रियंका गांधी भी आक्रामक नजर आई। मगर चुनाव का अंतिम पड़ाव आते आते राहुल और प्रियंका ने अपनी रणनीति बदली और नारा लगाया, वो नफरत करेंगे हम प्यार देंगे, वो धक्का मारेंगे हम गले मिलेंगे। दिल्ली के दंगल के दिन भी प्रियंका और राहुल गांधी ने यही बात दोहराई थी कि इस बार का चुनाव नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाएगा और हमें यकीन है कि इस बार जीत प्यार की होगी। वहीं अब जब चुनाव में प्रचार का शोर थम गया है, कल सातवें और आखिरी चरण का मतदान होगा तो उससे एक दिन पहले भी प्रियंका की प्रेम पॉलिटिक्स जारी है जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बुध ने कहा है कि प्यार से खत्म होती है नफरत, यही अटल नियम है। यहाँ प्रियंका भले ही बुध के उपदेश की बात कर रही हूँ मगर यहाँ प्यार और नफरत का जिक्र करना प्रियंका गांधी की प्रेम पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। प्रियंका का पीएम मोदी को ये संदेश है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्यार से दिया जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।